नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आईटी में। मैं कुछ प्रशिक्षण आप लोगों के साथ आई कर डालते हैं बूंदी जिले को। आपको बता दें कि मनरेगा के कार्य में धांधली करने वालों के खिलाफ ग्रामीणों ने राज्य मंत्री अशोक चांदना को ज्ञापन सौंपा। हिंडौली ग्राम पंचायत में पेंच की बावड़ी तहसील में सरपंच सीमा देवी, पिंकी देवी व सहायक सचिव सुरेश मीणा, सचिव मोहनलाल वर्मा के द्वारा मनरेगा के कार्यों में धांधली करने के मामले को लेकर सोमवार दोपहर को हिंडौली के उपखंड अधिकारी को सभी श्रमिकों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन बताया गया कि ग्राम पंचायत पेंच की बावड़ी में सरपंच सीमा देवी व पिंकी देवी व सहायक सचिव सुरेश मीणा, सचिव भंवरलाल वर्मा के द्वारा मनरेगा कार्य में धांधली की जा रही है तथा मनरेगा कार्य में नाम जोड़ने के लिए पिंकी देवी प्रति व्यक्ति से 200 रुपए वसूल रही है। सरपंच भी अपने मिलने वाले व्यक्तियों के नाम मनरेगा में जोड़ता है, वह गरीब मजदूर व्यक्तियों का नाम मनरेगा में नहीं जोड़ पा रहा। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि प्रार्थी गण जब भी सरपंच के पास जाते हैं एवं मनरेगा के कार्य में नाम जोड़ने का आग्रह करते हैं तो सरपंच और सचिव बजट खत्म होने की बात बोलते हैं। सरपंच और सचिव के द्वारा जो लोग सरकारी नौकरी व पेंशनधारी हैं उनके नाम मनरेगा कार्य में जोड़ रखे हैं। साथ ही आपको बता दें बेरोजगार व्यक्तियों के नाम मनरेगा में नहीं जुड़ पा रहे, जो कतई न्यायोचित न है। सभी श्रमिकों ने यह भी बताया कि प्रार्थीगण जब भी पिंकी देवी मेट के पास मनरेगा कार्य में नाम जोड़ने का आग्रह करते हैं तो मैट पिंकी देवी ने प्रार्थीगण के साथ अपशब्दों में गाली गलौज करते हुए कहती है कि तुम लोग पहले मुझे 200 दो, तब जाकर ही मैं तुम्हारा नाम मनरेगा कार्य में जोड़ दूंगी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत पेंच की बावड़ी में चल रहे मनरेगा कार्य में पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए गए मनरेगा योजना का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही गरीब मजदूर व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। सभी श्रमिक महिलाओं ने उपखंड अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि पिंकी मैट को तुरंत ग्राम पंचायत पेंच की बावड़ी से हटाया जाए व ग्राम पंचायत में चल रही धांधली के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गरीब मजदूर व्यक्तियों को मनरेगा कार्य का लाभ दिलवाया जाए। सभी श्रमिकों ने चेतावनी भी दी कि अगर ग्राम पंचायत पेंच की बावड़ी तहसील हिंडौली में सरपंच सीमा देवी, मैट पिंकी देवी, सहायक सचिव सुरेश मीणा व सचिव भंवरलाल वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई तो बूंदी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कौशल्या, राममूर्ति, कांता, दुर्गा कौशल्या, सुशीला सहित कई लोग ज्ञापन देने में मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें सीमा मीणा सरपंच ग्राम पंचायत पेंच की बावड़ी ने बताया कि मुझ पर व सहायक सचिव, सचिव व मैट पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और ज्ञापन देने वाली जो महिलाएं हैं अपना नाम नरेगा में जुड़ाकर कार्य पर नहीं आना चाहती, किसी भी जांच के लिए तैयार हूं मैं। जी, आपने जो ज्ञापन दिया है आज क्या है फिर उसका पूरा मामला? मेट नाम आटवा का 200 रुपया ले उसे और फिर कहते के 220 रुपया रेट आओगी, 200 रुपया दो तो 110 रुपया रेट आए। और जी अमीन ना जी 1 तारीख ने नाम दिया था, 13 तारीख में मिस्टोल खत्म हुई थी जी का बाद में कोई काम को ना पंचायत में जाऊ और काम मांगा था तो पंचायत वाला यूं खर्च है शिकायत नहीं रहा भाई कहा कहते जो बजट ही खत्म हो गया कोई काम को ना। सर पंच यही बात कहते हैं बजट खत्म हो गया, बजट खत्म हो गया तो मैं कहाँ जाऊँ और फार्म भर दे भाई हंगामा करेगी फॉर्म भर दे और वो मसा छाट छाट कर 10-20 जना लगा ले और मैं कहूँ सर आज 5 दिन आज 6 तारीख 8 तारीख सोमवार कर दी तो नहीं तो 8 तारीख पूरी हो नहीं 6 तारीख पूरी हो नहीं सोमवार पूरा हो तो मन विश्वास दे डेढ़ महीना बेरोजगार बेटा कोई काम को ना घर बेटा तो कोरा नाम में कहीं खावा। इस खबर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ आईटी। नमस्कार।